Hello everyone. Yes guys, so very good afternoon. चलिए जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं, सो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आप सभी मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। तो सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन आज के सेशन में दोस्तों। जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं, तो प्लीज एक बार कंफर्म जरूर करिएगा कि मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है और आप सभी मुझे प्रॉपर तरीके से सुन। तो सभी का वेलकम, अभिनंदन है आज के सेशन में। और सभी को मालूम है कि जी हाँ, एक जीके का पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, एक नॉलेज बूस्टर सेशन। और देखिए, ये जो नॉलेज बूस्टर सेशन है ना, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं इस रैपिड फायर सीरीज में, बिल्कुल मेरे साथ एक लंबे समय तक आप सभी कनेक्ट रहेंगे। और ये जो रैपिड सीरीज है, याद रखिएगा, इसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज के सेशन को और देखेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जीके का पूरी तरीके से याद रखिएगा, इसमें रिवीजन होने वाला है ना। जितने भी आपके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग कवर करने जाएंगे। ठीक है, मेरे पास साथ जुड़ चुके हैं पटना बिहार, कुंदन, प्रिया, प्रशांत, विपिन, रचित, रितिका, अभिषेक, सभी का वेलकम गाइस। ठीक है, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कल देखिए, कल इकोनॉमी वाला सेशन होने वाला है। रितिका, ऑलरेडी आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ मैंने कि मैं इकोनॉमी कवर कराऊंगा, तो इकोनॉमी कल हम लोग कवर करने वाले हैं। और बस उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूं, तो कल मैं उस सेशन को लेकर के आऊंगा। और बाकी आप हमारे साथ जो हमारे सुपर कोचिंग क्लासेस हैं उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, और जो आपके कूपन कोड है लगा सकते हैं SHIVKT। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कोर्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो एलिफेंटा केप्स होती है, देखिए केप्स का जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्यों ना आप सभी प्रयास करें कि ये जो केव वाला क्वेश्चन होता है, आप इसको एक बार में ही पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए जब जब भी हम लोग केप्स की बात करेंगे, तो आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एलिफेंटा, एलोरा, ठीक है, या फिर अजंता केप्स महाराष्ट्र की, या फिर ये उदयगिरी खंडगिरी की बात कर सकता है उड़ीसा में, या फिर बात कर सकता है ये बाघ की गुफाओं के बारे में, या भीमबेटका जो मध्य प्रदेश की है, या फिर आपको ये पूछ सकता है जो कर्नाटका की हम्पी गुफाएं हैं, या फिर जो बिहार की दोस्तों याद रखिएगा सप्तपर्णी केव पर हम लोग पढ़ते हैं या बार बार केव, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात हो रही है एलिफेंटा केव। आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों की जो एलिफेंटा केव है, ये राष्ट्रकूटाज के द्वारा बनाई गई है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनकी लोकेशन क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि इनकी लोकेशन क्या है दोस्तों, मुंबई, महाराष्ट्र। अब ये किस भगवान को डेडिकेटेड है, बहुत ही सिंपल है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये जो डेडिकेटेड है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की भी कुछ मूर्तियां मिलेंगी, लेकिन भगवान शिव की यहाँ पर सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलेंगी। कुछ मूर्तियां हैं जो अभी खंडित अवस्था में भी है, बाद में आक्रमणकारियों ने इनको तोड़ भी दिया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रकूटाज के समय में डेवलप की गई, जिनका फाउंडर दंती दुर्ग था। तो आपकी एलोरा की गुफाएं और ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, राष्ट्रकूटाज के समय में डेवलप की गई। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस एज वेल एज फेस्टिवल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य के साथ साथ एक उत्सव भी है, इसका सही आंसर जरा बताएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एलोरा में हम लोग टोटल 34 केप्स पढ़ते हैं और अजंता में हम लोग टोटल 29 केप्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर इसका भी दे दिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये कई बार होगा कैसे दोस्तों कि आपको यहाँ पर हिंट नहीं मिलेगी कि एक्चुअली में आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या स्टेट दिया गया है, नहीं, इसमें आपको स्टेट नहीं दिया गया है। और SSC आज के समय में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहां पर आपको राज्य नहीं देगा, क्रॉप फेस्टिवल है या न्यू ईयर है, इसका भी कोई आइडिया नहीं देगा। आइडिया क्या दे रहा है दोस्तों कि ये नृत्य भी है लेकिन साथ में एक उत्सव भी है। तो देखिए, अगर मैं पोंगल की बात करने जाऊं दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा कि जो पोंगल है, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये हम लोग मनाते हैं कहाँ पर, तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, बैसाखी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पंजाब वाले एरिया में। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सिर्फ फेस्टिवल है, इसमें आप डांस नहीं कर सकते। ठीक है, जो चेराव है याद रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट का है, आपके नॉर्थ ईस्ट का है, और ये भी सिर्फ क्या है, फेस्टिवल। तो इसमें आप दोस्तों डांस नहीं कर सकते, लेकिन एक फेस्टिवल ऐसा है जो अपने आप में डांस भी परफॉर्म किया जा सकता है, और ये इसमें फेस्टिवल के तौर पर भी मनाया जाता है। और है कहाँ का, दैट इज आसाम। तो आप सभी ने पढ़ा है सतरिया डांस के बारे में, बिहू फेस्टिवल के बारे में, अंबुबाची फेयर के बारे में, ठीक है, साथ में कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में, मांजुली आइलैंड के बारे में, मानस काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है, टिनसुकिया जहां पर सबसे अधिक बारिश होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन
वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए काफी सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर कर दिया। ठीक है अगले सवाल को देख लेते हैं। ठीक है क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। ठीक है इसका जरा आंसर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, यस छोटी कुमारी, रचित, पटना बिहार, लक्ष्मी द्वीप, रितिका, रियल जाट, चलिए अभिषेक, जूली गुप्ता, ओके श्रीहरि से। तो गलत सुमेलित कौन है पहले तो याद रखिएगा। इनकरेक्टली आपको बताना है, इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा हो जाएगा, इसमें से हम लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे। तो चेराव मिजोरम है, राउप जम्मू एंड कश्मीर है, भरतनाट्यम कर्नाटका है, और लावणी महाराष्ट्र है। तो देखिए लावणी बिल्कुल क्लियर है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। चेराव हो गया, और एक और पढ़ते हैं आप, चाप चार कूट, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, ये भी अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। तो ये आपने पढ़ा होगा मिजोरम से जुड़ा हुआ है, राउफ जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, भरतनाट्यम आपने पढ़ा होगा तमिलनाडु से है, और जब कर्नाटक की बात करते हो तो कर्नाटक से जुड़ा हुआ क्या पढ़ते हो, यक्षगान। तो कर्नाटक से जुड़ा हुआ यक्षगान है दोस्तों, कोला कंबाला फेस्टिवल है, हम्पी गुफाएं हैं आपकी, विरूपाक्षा मंदिर है आपका, जोग गड़सोपा वाटरफॉल है, कुंचिकल वाटरफॉल है दोस्तों। ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, थ्री इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है तो चेराव और चापचारकूट दोनों मिजोरम से ही जुड़े हुए हैं दोस्तों, जहां पर आप फांगफुई नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हो। ठीक है राउफ जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जहां पर आपने 370 आर्टिकल, आर्टिकल 51A के, 35A के बारे में पढ़ा है, साथ ही में आपने यहाँ पर दचिगम, सलीम अली, किस्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है, डल और वोलर लेक के बारे में पढ़ा है। ठीक है तो जो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कर्नाटका का जो डांस है याद रखिए कि दैट इज अ यक्षगान। ठीक है इस सवाल में कैसे गलती हो सकती है अभिषेक जी, चलिए यहाँ पर रचित, इस सवाल में गलती कैसे हो सकती थी भाई, इस सवाल में कैसे गलती हो सकती है। पूछा जा रहा है पंडित राम नारायण इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन जो किस वाद्य यंत्र का को बजाते हैं। ठीक है बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी में तो चौरसिया साहब भी बहुत प्रसिद्ध है, हारमोनियम बजाते हैं ये, सारंगी बजाते हैं, या फिर ये पूछा गया तबला। ठीक है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राम नारायण जी की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा सारंगी से जुड़े हुए दोस्तों। ठीक है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है दैट इज ऑप्शन यस थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है अगले सवाल में देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि 2022 में रसायन विज्ञान के अध्ययन में नोबेल पुरस्कार किसको दिए गए। ठीक है 2023 के तो जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो पढ़ के ही चले जाने दोस्तों, 100% पूछा जाएगा इसमें। 2022 का पूछ लिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्लिक केमिस्ट्री है, या फिर सिक्वेंसिंग, या क्या पूछा गया है, हाँ नियंडरथल जीनोम है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन याद रखिएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर, क्लिक केमिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए अगले सवाल में चलेंगे। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अचीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ द हाईएस्ट लिटररी अवार्ड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसको भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की मान्यता दी गई है, व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, साहित्य अकादमी अवार्ड है। ठीक है जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में आपने बहुत सारे पुरस्कार पढ़े होंगे, ये जितने भी आप इसमें देख पा रहे हैं लगभग सभी के सभी आपके कौन से पुरस्कार हैं, साहित्य के पुरस्कार हैं, लेकिन इसमें आपने मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है मूर्ति देवी एक और दिया जाता है इसमें, ठीक है लेकिन इन सभी पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा है वो आपको पढ़ा मालूम होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और अभी रिसेंट में ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि ये गुलजार जी को मिला है। तो अभी ये जो 2000 रिसेंट में याद रखिएगा 24 ये 23 और 24 में जो दिया गया है गुलजार जी को दिया गया, और आपने पढ़ा होगा एक राम भद्राचार्य जी को दिया गया। ठीक है राम भद्राचार्य, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूर पढ़ के चले जाएगा। ठीक है दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी वर्तमान के दोनों ही देख करके जाने। ठीक है राम भद्राचार्य जी और जो आपके प्रसिद्ध लेखक हैं, गजल लेखक हैं, ठीक है आप सभी जानते हैं गुलजार साहब। ठीक है पूछा गया कि हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, तो जरा बताइएगा कि किसने किताब लिखी है द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी। एक और आपने किताब पढ़ी है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखी है, किन्होंने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पर बात हो रही है द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, तो इसमें जीन ड्रेज है, एडम स्मिथ है, अमर्त सेन है, या फिर गुन्नार मार्डल हो जाएंगे। ठीक है तो इसमें से देखिए जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे वो कौन सा है आपका, गुन्नार मार्डल इज द राइट आंसर। ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर।
एडम स्मिथ आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जो एडम स्मिथ है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, बहुत ही किताब फेमस किताब है। एक तो पहली तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ये इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं, ठीक है। और जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कैपिटलिज्म आपने पढ़ा होगा, ये उसके मैन वो माने जाते हैं लीडर जिन्होंने इसको थ्योरी को दिया हुआ था। साथ में इनकी किताब है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो इनकी जो किताब है याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन, ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, ठीक है। तो एडम स्मिथ और अमर सेन आपने पढ़ा होगा कि ये वो भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमी के क्षेत्र में 1998, तो पहले भारतीय जिन्होंने इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला सवाल है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो अभी रिसेंट में ही तो निकला है ये। और आपको मालूम है कि इंडिया की अगर मैं बात करने जाऊं तो इंडिया में ये पूछा जाता है कि जब भी हम लोग रैमसर साइट की बात करने जाएंगे, यानी कि हम लोग बात करने जाएंगे दोस्तों वेटलैंड की, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों, ठीक है। और टोटल कितनी है दोस्तों, ठीक है, और कहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम रामसर साइट पाई जाती है, तो यही तो क्वेश्चन बनेंगे ना, तो एक बार सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। चलिए, वेरी गुड जूली, विपिन, अभिषेक, ठीक है, छोटू, क्या बात है, रचित, प्रशांत, रोशन। रोशन के आने से हमारा सेशन भी रोशन ही हो जाता है। तो देखिए, पहली आपने रामसर साइट पढ़ ली होगी कि जो सबसे पहली रामसर साइट है, याद रखिएगा। पहले तो टोटल देख लेते हैं, टोटल याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक 75 थी लेकिन 5 फिर से जुड़ गई हैं तो हो गई हैं 80। मैक्सिमम आपको मालूम है कि इस समय तमिलनाडु में जिनकी संख्या 14 है, और उसके बाद आ जाता है यूपी जहां पर संख्या 10 है, ठीक है। लार्जेस्ट आपने पढ़ी होगी दोस्तों, कि लार्जेस्ट की मैं बात करने जाऊं तो आप सुंदरबन की बात कर सकते हैं जो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, और जो स्मॉलेस्ट है दैट इज रेणुका जो आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। फिर अगर सबसे पहली की बात करने जाएंगे दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि जो चिल्का है, और या फिर आप कह सकते हैं कि राजस्थान की जो केवला देव है, ये आपने पढ़ी होगी कि सबसे पहली रामसर साइट्स में आ जाती है, ठीक है। चलिए, अगले सवाल से हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है 2 फरवरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी लोगों ने इसका तो आंसर यार एकदम जवाब लगा दिया, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैलीलियन मून दैट वॉज ऑब्जर्व इन 1610 बाई द इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली यूजिंग अ होममेड टेलीस्कोप। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि जो गैलीलियो है, इसी ने टेलीस्कोप बना करके कॉपरनिकस के सिद्धांत को भी प्रूव किया था। कॉपरनिकस बोलता था कि सन इज लोकेटेड एट द सेंटर, ऑल द सेलेस्टिकल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। पहले एक थ्योरी दी जाती थी जिसका नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी, जो बाद में गलत साबित हुई कि अर्थ जो है सेंटर में लोकेटेड है, बाकी सारी चीजें अर्थ के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। वो आपने शुरुआत में पढ़ा हुआ टॉलमी वगैरह की थ्योरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर याद रखेगा दैट इज अ जायनामीड, और जायनामीड आप सभी जानते हैं दोस्तों की जायनामीड की खासियत क्या है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ये जो जायनामीड है ये बिगेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पूछा जाता है कि ये याद रखेगा, ये सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो अगर हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल की बात की गई तो जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है दोस्तों याद रखेगा ये कौन सी हो जाएगी, दैट इज अ जायनामीड। और आप सभी जानते हैं ये सैटेलाइट है वो भी किसकी, जुपिटर की, ठीक है। सो इट इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, और इसको आप सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट कह सकते हैं। अगला सवाल है, विच इज द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। तो भारत का सबसे अमीर टेम्पल कौन है, यहाँ पर तिरुपति बालाजी दिए गए हैं। स्टेट वाइज नहीं है, देखिए कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आंध्र प्रदेश में पूछा गया था, तो आंध्र प्रदेश में आपने सबसे जो बड़ा अमीर मंदिर पढ़ा था वो कौन सा था दोस्तों, वो आपने पढ़ा था दोस्तों दैट इज तिरुपति बालाजी। लेकिन यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक नहीं, तो एक मंदिर है जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, अगर आपको याद हो उसके जो उसके मंदिर के नीचे आपने देखा हो बहुत सारे कमरे मिले थे, हॉल मिले थे, उन हॉल में बहुत सारा सोना मिला। लगभग 5 कमरे थे जिसमें से 4 कमरे तो ओपन किए जा सके हैं, 5वां जो कमरा है अभी ओपन नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दरिजा स्वामी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ठीक है, दरिजा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगले सवाल में चल रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन द विच स्टेट रानी की, देखो रानी की पौड़ी आपने पढ़ी होगी दोस्तों कि ये यूनेस्को का भी पार्ट है, पार्ट ऑफ यूनेस्को, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ आपने पढ़ा होगा यूनेस्को। कई बार आपने पूछा जाता है कि दोस्तों ये कितनी करेंसी के नोट में, भी आपने पढ़ा होगा कि इसकी इमेज बनी हुई है, एक कितने रुपए का करेंसी नोट है जिसमें ये रानी की पौड़ी की आप इमेज देखते हो दोस्तों, ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है बिल्ट बाय, इसका निर्माण किसने किया दोस्तों, ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ पर स्थित है, ये तो बहुत क्लियर है। तो आप सभी जानते हो दोस्तों की गुजरात की 2 लोकेशन है, एक है धौलावीरा और एक जानते हो दोस्तों कौन सा, रानी की वाव, जो आपके किसमें स्थित है, यूनेस्को में शामिल है, ठीक है।
दूसरा, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में अगर हम लोग देखें तो गुजरात का एक और मंदिर है जिसका नाम है मोढेरा सन टेम्पल, वो भी बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हो कि आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। तो ये जो है, याद रखिएगा, ये पार्ट ऑफ यूनेस्को तो है ही, ये तो बहुत क्लियर ही है, लेकिन ये 100 रुपए की नोट में आपको मिल जाती है रानी की पौड़ी, और ये बनाई जाती है, आपने पढ़ा होगा कि एक सोलंकी डायनेस्टी की रानी थी, या फिर आप कह सकते हैं जो चालुक्या डायनेस्टी थी उसी डायनेस्टी की रानी थी, जिनका नाम था क्वीन उदयमती। ठीक है, क्वीन उदयमती के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था, जिसको हम लोग रानी की पौड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। कर्नाटका में जो यूनेस्को है साइट का पार्ट है वो हम्पी है। महाराष्ट्र में आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में आपने बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट पढ़ी होंगी दोस्तों, 4 या 5 पाई जाती हैं। फिर उसके बाद राजस्थान आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, इन क्रिकेट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉल हिट्स अ क्लोज इन फील्डर्स हेलमेट विच इज ऑन द ग्राउंड बिफोर बीइंग कॉट बाय अनादर फील्डर। ठीक है, पूछा गया क्या होता है जब क्रिकेट में गेंद किसी अन्य क्षेत्र रक्षक द्वारा पकड़े जाने से पहले भूमि पर मौजूद नजदीकी क्षेत्र रक्षक के हेलमेट से टकराती है। तो ये तो सवाल यार बिल्कुल एक डिफरेंट सवाल है, जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल यार, करंट अफेयर को भी जरूर खत्म करना है आशुतोष जी, बिल्कुल करंट अफेयर को मैं लेकर के आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, कि अगर मान लीजिए कि बॉलर ने गेंद को, बैट्समैन ने गेंद को हिट किया और वो गेंद जमीन पर लगने से पहले सामने किसी फील्डर के हेलमेट पर लगती है और उसके बाद किसी दूसरे फील्डर के पास चली जाती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, द कैच इज नॉट लीगल, 5 पेनाल्टी रन्स अवार्डेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड इज द राइट। पूछा गया है कि द बार्बर केव एंड नागार्जुनी हिल्स इन बिहार डिपिक्स आर्ट फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो दोस्तों ये जो बार्बर की गुफाएं हैं आपके बिहार में, किस समय बनाई गई थी? तो आपने पढ़ा होगा कि इन गुफाएं में हमको दो चीजें मिलती हैं, एक आपने पढ़ा होगा चैत्याज के बारे में और एक आपने पढ़ा होगा दोस्तों विहार के बारे में। ठीक है, तो ये एक विहार शब्द इस्तेमाल किया गया, ये कई जगह पर आपको शब्द मिल जाएगा, तो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा और आप लोग इसमें से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे। एवरीवन, सभी लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। तो मौर्य टाइम पीरियड में आपने पढ़ा होगा कि जो बार्बर की गुफाएं हैं इनका निर्माण किया गया था, नागार्जुनी जो केव है उन्हीं का भी निर्माण किया गया था, साथ में आपने सप्तपर्णी गुफाओं के बारे में भी पढ़ा होगा जहां पर बुद्धिज्म की पहली काउंसिल भी हुई है। तो जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल में चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मोनपा है, उगादी है, विशु है, या फिर दशहरा है? इसका सही आंसर क्या होगा? एवरीवन, सभी लोग ट्राई करेंगे इसमें से हम लोग किस ऑप्शन को करेक्ट करने वाले हैं। एवरीवन ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। सभी लोगों ने ट्राई करना है बहुत स्पीड के साथ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, तेलुगु नव ईयर की बात हो रही है, मोनपा, उगादि, विशु या दशहरा, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, दैट इज अ ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो उगादी है आज के समय में आपने पढ़ा होगा कि ये आंध्रा में भी मनाया जाता है, आपका कर्नाटका में भी मनाया जाता है, साथ ही में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है फेस्टिवल आपका तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र का इन सभी में उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, पूछा गया है कि मर्दानी झूमर इज परफॉर्म्ड बाई हुम। ठीक है, फसल के मौसम की खुशी का जश्न मनाने के लिए जो फेस्टिवल है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? देखिए यार, ये तो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है ना, हम लोग बात कर रहे हैं, एक होता है आपने पढ़ा है कि घूमर डांस हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, एक पढ़ा है आपने झूमर है ना, और एक पढ़ा है दोस्तों कौन सा, घुमुरा। ठीक है, तो ये डांस कई बार मैंने आपको बताया है कि गाइज इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। घूमर है हमारे कहाँ का, राजस्थान का, पद्मावत मूवी में भी आपने देखा होगा। झूमर है दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड का। ठीक है, झारखंड का, जी हाँ, जिसकी 9 नवंबर को स्थापना, सॉरी 15 नवंबर को स्थापना हुई थी। फिर आपने पढ़ा होगा साथ में कौन सा, दैट इज अ घुमरा, और घुमरा पड़ता है कहाँ का दोस्तों, उड़ीसा का। तो ये डांस किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? और ये दोस्तों परफॉर्म किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध पंडित गोपाल मिश्रा जी हैं ये किस म्यूजिक घराना से जुड़े? तो ये घराने वाले सवाल तो परेशान करेंगे। ठीक है, जरा बताएगा कि विच वन इज राइट, ये बनारस घराना है, ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है, या किराना घराना है? ठीक है, विच वन इज राइट, बनारस, ग्वालियर, पटियाला या किराना? और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, याद रखिएगा, दैट इज अ ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज अ बनारस घराना इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल में चल रहा हूँ।
रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कौन सा संगठन पुरस्कार दिया जाता है, जरा बताइएगा। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जैसे नोबेल से जुड़े हुए क्वेश्चन तो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ये जो नोबेल पुरस्कार हैं इनकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी, 1901 में हुई थी। सभी आप जानते हैं पहले 5 कैटेगरी थी स्टार्ट में, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो छठवीं कैटेगरी है ये कब जोड़ी जाती है, ये छठवीं कैटेगरी जोड़ी जाती है 1971 में, 1900 सॉरी 69 में, और ये कैटेगरी कौन सी थी, दैट वॉज द इकोनॉमी। ये भी आपने पढ़ा होगा। किसके नाम पर दिया जाता है, तो ये एल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाता है। ये भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, ये इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि अगर इंडियन के रिस्पेक्ट में आप बात करने जाओगे तो इंडियन के रिस्पेक्ट में अभी तक टोटल कितने 9 इंडियन हो चुके हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले आपने पढ़े होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। बात हो रही है रसायन विज्ञान की, तो ये दिया जाता है रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है। नहीं बेटा विपिन, आईएएस तो और भी खतरनाक है, कभी कभी देखिए जरा, आईएएस अभी इतना आसान नहीं है आपको लगता है। ठीक है, आईएएस की तैयारी करें, कर सकते हैं वैसे, है ना, कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यही बोलूंगा कि अभी एसएससी जेई से ही निपटिए, ज्यादा अच्छा है ना। द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, दिस अवार्ड इज फॉर यूनिवर्सिटी। यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक ही कथन इसमें सही है और वो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। तो आपने अमाउंट पढ़ा होगा कि इसका जो अमाउंट है बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, बिल्कुल 1985 में स्थापना हुई थी, और 15 या 20 लाख के आसपास इसका अमाउंट दिया जाता है। अभी अमाउंट इसका बढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अमाउंट बढ़ाया जा चुका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जरा बताइएगा कि इसकी ऑथर का नाम क्या है, ये कई बार पूछा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आपने पढ़ा है, एक और किताब पढ़ी है दैट इज अटोपिया। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा इसी से जुड़ा हुआ बुक क्वेश्चन जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट। तो ये भी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और एक और आपने पढ़ इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसका नाम है आजादी। ठीक है, आजादी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट। ठीक है, अटोपिया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी ऑथर कौन है आपकी, अरुंधति रॉय। ठीक है, यस दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जाएंगे दोस्तों। पूछा जा रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ठीक है, क्या ये सवाल हुआ है हमारा, मुझे लगता है कि ये सवाल से जुड़ा हुआ हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जरा बताइएगा कि अगर इस क्वेश्चन में हमें सही आंसर टिक करके जाना है तो इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे। एवरीवन गाइस, ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा ट्राई करिएगा, और मैं चाहता हूं कि जी हाँ यार इस क्वेश्चन का तो सही आंसर कर ही सके। जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, विच वन इज राइट। तो संस्था अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, किसके द्वारा दिया जाता है, ट्राई कर लेते हैं सभी लोग। एवरीवन जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट। और यार एक बार सेशन को लाइक और शेयर को जरूर कर, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक अटेंडेंस को मार्क नहीं किया है, तो मैं उससे पहले अटेंडेंस रजिस्टर निकालूं और कुछ लोगों की एब्सेंट हो जाए, उससे पहले ही सभी लोग इसको लाइक और शेयर करने लगे। ठीक है, यस एवरीवन हिट द लाइक बटन, लाइक बटन को एक बार जरूर हिट कर दीजिएगा। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी आपने पढ़ा था, ये कोचेस को दिया जाता है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और 15 लाख का कैश प्राइज है ना द्रोणाचार्य में, याद रखिएगा 15 लाख का कैश प्राइज है। और बात हो रही है यहाँ पे किसके बारे में, अरुंधति राय, तो उसकी भी बात हो चुकी है। अरविंद अडिगा आपने पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी किताब है व्हाइट टाइगर, बहुत ज्यादा पूछी जाती है अरविंद अडिगा के बारे में। ठीक है, और नेमसेक करके आपने किताब पढ़ी होगी झुंपा लहरी की, है ना, झुंपा लहरी की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और लास्ट वर्ड आपकी करण थापर की किताब पढ़ी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने सही टिक कर दिया वैसे, तो बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट, दैट इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के बारे में क्या क्या जानते हो दोस्तों, WHO का देखो हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर कोई बताएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WHO, एनीवन जरा बता दीजिएगा, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, आप सभी जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी आपने पढ़ा होगा इसका। ठीक है, और इसके जो हेड है अधानोम करके, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। तो बस ये यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, और बताएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव राष्ट्रीय कृषि विकास एंड अलाइड। ठीक है, क्या पूछा गया है, एंड अलाइड
सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है, रफ्तार पे बात हो रही है। जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा और आप लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। टू इन्वॉल्व रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, आपने ये पढ़ा होगा ना दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार, टू प्रोवाइड अ फ्री मार्केट, टू रिड्यूस फार्मर रिस्क, या टू एक्सटेंड एजुकेशन टू फार्मर कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो राइट आंसर है, दैट इज अ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू रिड्यूस द फार्मर रिस्क। आज के समय में अगर आपने पढ़ा हो तो सरकार जो है ना फार्मर्स को भी इंश्योरेंस देने लगी है कि अगर किसी फार्मर्स की फार्मिंग फील्ड वगैरह में डेथ हो जाती है तो कुछ 5 लाख वगैरह तक का सरकार के द्वारा इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है रफ्तार करके, ये याद रखिएगा, किसानों के लिए जो रिस्क वगैरह है ये कम करने के लिए किया गया है। आज के समय में कई किसान वगैरह में आपने देखा होगा कि फार्मिंग फील्ड में स्नेक बाइटिंग की वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है, कई बार बिजली वगैरह गिरने की वजह से भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसको अब सरकार काफी हद तक उसके लिए कॉशियस है और कंसर्न है, और उसको लेकर के फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला कौन सा एशियाई देश है, जरा बताइएगा। बात हो रही है फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे, और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी आपने पढ़े होंगे कभी रिसेंट में, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं ये अभी आपके हुए थे कहाँ पर, जी हाँ, लंदन में, यूके में 2022 में, और 2026 में जो होने वाले हैं आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले हैं। तो बात हो रही है 1998 में सबसे पहले हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा 1998 में सबसे पहले हुआ था, और ये हुआ था क्वालालंपुर मलेशिया में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करने जाऊं तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ये क्वालालंपुर मलेशिया में हुआ था 1998 में, और हमने जो कब कंडक्ट किया था 2010 में, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, दिल्ली में हुए थे और बहुत सारे घोटाले भी हो गए थे, ये घोटालों की वजह से प्रसिद्ध रहा। और लास्ट टाइम 2022 में हुआ था कहाँ पर, ये लंदन, यूके में हुआ था, लंदन में। और 2026 में अब ये जब होने वाला है तो दोस्तों कहाँ पर होने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया में एंड न्यूजीलैंड में होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इतना पार्ट क्लियर करके, ठीक है। अगला सवाल है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाएगा, सबरीमाला मंदिर हो जाए, इडुक्की डैम हो जाए, पेरियार डैम हो जाए, या फिर आपको पूछा जाएगा दोस्तों कोची, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची पोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है साइलेंट वैली के बारे में, या फिर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर किसके बारे में, सबरीमाला मंदिर के बारे में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक ही है, और वो कौन सा, दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट, केरला इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर है, तमिलनाडु में आपका जो मंदिर मिल जाएगा वो कौन सा है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है, सौर टेम्पल महाबलीपुरम है, और बृहदेश्वरा मंदिर है, और उड़ीसा में आपको कोणार्क सन टेम्पल मिल जाता है, लॉर्ड जगन्नाथा मंदिर मिल जाता है, और लिंगराजा मंदिर, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन है इन सभी को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपने तिरुपति बालाजी देखा, तमिलनाडु में दोस्तों तीन मंदिर पढ़ के जाना है, जो बृहदेश्वरा है, सौर टेम्पल महाबलीपुरम है, और मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है, और उड़ीसा में भी तीन मंदिर पढ़ के जाने हैं, लॉर्ड जगन्नाथ, लिंगराजेश्वरा, और साथ में कोणार्क सन टेम्पल, जिसको आप ब्लैक पगोड़ा बोलते हो, ठीक है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, विच वन इज राइट, ठीक है। अगर यहाँ पर ये धनु यात्रा की बात करता, बलि यात्रा की बात करता, तो आप उड़ीसा पढ़ते, ठीक है। धनु यात्रा, बलि यात्रा, ये आपने पढ़ी होंगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करता दोस्तों, तो ये जो है फिर आपके उड़ीसा से जुड़े हुए, लेकिन ये बात कर रहा है डोल यात्रा फेस्टिवल की, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बिहार की बात करने जाऊं तो बिहार में आपने जो पढ़ा होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, दैट इज छठ पूजा। बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है छठ पूजा। आंध्र प्रदेश का जो सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है आपने पढ़ा होगा फ्लैमिंगो, बहुत ही पॉपुलर है। वेस्ट बंगाल का हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों दुर्गा पूजा, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर बच गया दोस्तों कौन सा, गुजरात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। जी हाँ, ये भी आपके कहाँ से जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल गाइस, ठीक है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला सवाल है, दशहरा नृत्य निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखो यार, जनजाति वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपने एससी एसटी पॉपुलेशन पढ़ लिया है, रिजर्वेशन पढ़ लिया है कि इनका परसेंटाइल वगैरह कितना है, 8.6 आपने देख लिया होगा, मैक्सिमम देखा होगा तो परसेंटेज के आधार पर मिजोरम में, वैसे ओवरऑल सेंसस में मध्य प्रदेश में, और रिजर्वेशन लोकसभा राज्यसभा तो वो भी आपने पढ़ लिया होगा, 4784 करके, है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, इस डांस फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो जरा बताइएगा कि इस डांस फॉर्म से आप निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन टिक करने जाएंगे, विच वन इज राइट, देखते हैं जरा कितने लोग इसको सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो
इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, देयर इज अ ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, बैगा जनजाति की बात हो रही है, ठीक है, देयर इज अ बैगा, ठीक है, देयर इज अ ऑप्शन वन इज राइट। अगला सवाल है, पूछा गया है कि रंजू मौनी सैकिया निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? उड़ीसा के हो जाएंगे, सतरिया हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, या फिर कथक, विच वन इज राइट? ठीक है, बिल्कुल मध्य प्रदेश का जाट साहब ने बोल दिया है, मटकी है, डावरा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखिए कथक आपने पढ़ा है कि यूपी से जुड़ा हुआ है, मणिपुर तो यार मणिपुर से ही होगा, है ना, सतरिया आपने पढ़ा दोस्तों ये आसाम से है, और उड़ीसी उड़ीसा से ही होगा। ठीक है, अब रंजू मौनी है ये किससे जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा ये जुड़ी है आपके सतरिया से, और ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, इट इज एसोसिएटेड विद द आसाम, तो ये आसाम से जुड़ा हुआ दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ द इकोनॉमिक्स? देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? वैसे कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि मैथमेटिक्स में कौन सा नोबेल प्राइज के समान एक प्रकार है जिसका नाम पढ़ा होगा आपने, अबेल प्राइज। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स में आपको मालूम है कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, नोबेल पुरस्कार जैसा समान एक पुरस्कार है जिसका नाम है अबेल प्राइस, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इसके बारे में ऑफिशियल नेम ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो ये दोस्तों याद रखिएगा इसका जो नाम रखा गया है दैट इज द स्वेरी गैस रिक्स बैंक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा दैट इज द ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। और बात अगर सिर्फ मैं अर्थशास्त्र की बात करने जाऊं, तो आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत ही 1969 में की गई है, और 1969 में जो सबसे पहले दिया गया था ये रेंगर फ्रिश को दिया गया था, जिन्होंने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी को परिभाषित किया था। भारत में ये जो अभी तक नोबेल प्राइज इकोनॉमी में दिया जा चुका है वो मिला है अमर सेन को और अभिजीत बनर्जी जी को। अब अमर सेन को मिला है 1998 में और अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश या गुजरात है? इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट? सभी लोग जरा ट्राई करिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो पुरस्कार है अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है कौन सा, कालिदास सम्मान। ठीक है, दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है, दैट इज ऑप्शन वन इज राइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कालिदास सम्मान लिटरेचर से जुड़ा हुआ नहीं है, याद रखिएगा, कालिदास जो सम्मान होता है दोस्तों याद रखिएगा ये आपको मिलता है थिएटर के सेक्टर में। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो नाटक और नुक्कड़ होते हैं उस क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है, कालिदास सम्मान पढ़ा होगा, तानसेन सम्मान पढ़ा होगा, किशोर सम्मान पढ़ा होगा, बाल गंधर्व सम्मान पढ़ा होगा, आदि महोत्सव पढ़ा होगा, खजुराहो फेस्टिवल पढ़ा होगा, ओरछा फेस्टिवल पढ़ा होगा, ग्वालियर फेस्टिवल पढ़ा होगा, ये सब के सब आपके मध्य प्रदेश के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ जी हाँ, सीएम का नाम है मोहन यादव। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, पूछा गया है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व, तो ओजोन लेयर हम लोग कब मनाते हैं, और ओजोन लेयर मनाया जाता है 16 सितंबर को, आपको मालूम होगा कि ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर 1987। जी हाँ, 16 सितंबर 1987 को एक डील हुई थी जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट। ठीक है, अगले सवाल में चलेंगे, उससे पहले मैं बोलूंगा कि सभी लोग जितने भी लोग कनेक्टेड एक बार लाइक बटन को जरूर यार हिट कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोगों ने अभी तक लाइक बटन को हिट नहीं किया सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द सेशन, बाकी आप जो हमारे कोर्सेस हैं उनको इनरोल कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था, जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन विच ईयर वॉज द गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च? 1984 है, 1985 है, 1983 है, या 1982 है? हाँ, उत्तर प्रदेश का पुलिस भर्ती पर बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक है, बिल्कुल, देखिए यूपी पुलिस का पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए ऑलरेडी टेक्स्ट बुक परिवार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है, हमारी टीम के लोग खुद आपके गए हुए हैं लखनऊ और नोएडा वगैरह में। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग के भी तो एग्जाम है, तो इंजीनियरिंग वालों को भी तो देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार पढ़ा है उसकी भी सेम डेट है, याद रखिएगा, और साथ में जो गंगा एक्शन प्लान है इसका भी सेम डेट है, 1985 इज राइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव टू लॉन्च गगन सैटेलाइट इज टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट, तो आपने गगन पढ़ा होगा कि ये जो गगन लॉन्च किया गया था ये किसके द्वारा, बाई इसरो, इसरो का, और साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों का कंबाइन इनिशिएटिव था, कौन सा दोस्तों? ठीक है, याद रखेगा, दैट इज अ ऑप्शन, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा,
लैंड एंड वाटर रिसोर्स, नेविगेशन हो जाएगा, वेदर फोरकास्ट हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सेकंड राइट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नेविगेशन से जुड़ा हुआ है। तो गगन उपग्रह जो लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों का कंबाइन इनिशिएटिव है, और ये जो जुड़ा जुड़ा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा ये नेविगेशन से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, बद्रीनाथ मंदिर में निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? यार ये सवाल ना एग्जाम में देखिए मंदिर से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले मंदिर से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह पर लोकेटेड है, फिर ये पूछ लेता है कि ये किस भगवान को डेडिकेटेड है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, ठीक है। तो जरा बताइएगा किस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच वन इज राइट, और इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, ठीक है। चलिए काफी सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बद्रीनाथ आप सभी जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उत्तराखंड में स्थित है, और बद्रीनाथ यानी कि ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है दोस्तों, ठीक है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इसमें से जो हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जंतर मंतर जो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर संपत्तियों में से है, ये कहाँ पर स्थित है, विच वन इज राइट, जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और इसमें से आप लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे। एवरीवन देखते हैं कितने लोगों के आंसर यहां पे आ पाते हैं, सभी लोग ट्राई करिएगा। जंतर मंतर की बात हो रही है दोस्तों, जंतर मंतर याद रखिएगा, यहां पर एक ऑब्जर्वेटरी की बात हो रही है, वो धरना प्रदर्शन वाले क्षेत्र की बात नहीं है, और वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेटरी, ये जो ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ये जो धरना प्रदर्शन वाला जंतर मंतर है उसकी बात नहीं हो रही है, धरना प्रदर्शन को यूनेस्को ने शामिल नहीं किया है ना, तो ये जो है याद रखिएगा ये ऑब्जर्वेटरी वाले की बात हो रही है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, एक ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है, कौन से वो पल्लव राजा थे जो अपनी कैपिटल कांची में एक कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करते हैं। आपने एक पढ़ा होगा मंदिर पल्लवों के द्वारा बनवाया जाता है तमिलनाडु में भी, जिसका नाम है सोर टेम्पल या महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है। इसमें बात हो रही है दोस्तों किसके बारे में, कांची के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में, और ये निर्माण किया है नरसिम्ह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है, याद रखिएगा इट इज बिल्ट बाई द नरसिम्ह वर्मन सेकेंड, ठीक है। सवाल है, पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुर में अगर आपने पढ़ा होगा तो मणिपुर का अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है जिसका नाम है संगाई फेस्टिवल, याद होगा दोस्तों, ठीक है। तो मणिपुर का जो फेस्टिवल है ये बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है संगाई फेस्टिवल। आसाम में आपने पढ़ा होगा कि आसाम का जो फेस्टिवल है बिहू। अरुणाचल प्रदेश का आपने पढ़ा होगा लायन पीकॉक, ठीक है, लायन पीकॉक आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। नागालैंड का आपने पढ़ा होगा दैट इज अ हॉर्नबिल, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है द्री फेस्टिवल की, तो बहुत सारे लोगों ने तुक्के मारे हैं, दबा दबा करके तुक्के मारे हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये मनाया जाता है उस राज्य में जिसमें आपकी मैकमोहन लाइन लोकेटेड है, जहां पर आपका दिहांग जॉर्ज लोकेटेड है, दिहांग जॉर्ज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर नामदम्फा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, ये आपने पढ़ा होगा, ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध। तो योसांग फेस्टिवल, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा साथ में संगाई फेस्टिवल, ये सब आपके मणिपुर में है। आसाम में आपको बिहू मिल जाएगा, और नागालैंड में आपको कौन सा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दैट इज अ हॉर्नबिल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप कि मुझे याद रहेगा दोस्तों। जो लगभग 5 जुलाई के आसपास मनाया जाता है, और ये अद्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, ठीक है। एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर फेस्टिवल, ठीक है, याद रखिएगा ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। चलिए अगले सवाल में चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि विच इज एन एंशियंट मार्शियल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर वॉरियर। और अगर आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने आपने पढ़ा हो कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं उनमें भी अब ये इंक्लूड किया जा चुका है, जब इनको खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया तभी से ये पॉपुलर हुए। तो गातका हो जाएगा, और मुआय थाई हो जाएगा, कराटे हो जाएगा, कलारीपयट्टू, ठीक है। गातका थांगता, ये आपने पढ़े होंगे कि जो गातका है ये पंजाब से जुड़ा हुआ है, और ये निहंग सिख के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक। कलारी पयट्टू आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये केरला से जुड़ा हुआ है, और एक और इसमें प्रसिद्ध था थांगता, थांगता
आपने पढ़ा होगा कि शायद ये मिजोरम या मणिपुर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है ना मार्शल आर्ट वगैरह, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज अ कलार पेयर टू पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है ना, पेनिनसुलर इंडिया की, तो पंजाब पेनिनसुलर इंडिया में आता नहीं है भाई। पंजाब जो है आपको मालूम है कि ये केरल वाला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आपके पेनिनसुलर इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो ये एक आर्ट आर्ट ऑफ बैटल फील्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। और माना जाता है कि भगवान विष्णु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है, के द्वारा। और बहुत ही ओल्डेस्ट मार्शल फॉर्म ये इंडिया में माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो काफी प्रसिद्ध है इसका, याद रखिएगा। बाकी लगभग जो स्टैटिक फैक्ट है आप इसमें कर ही चुके हो, तो और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन, यस सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चल रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ से हिंट कैसे लगनी थी आपको? हिंट यहाँ से लगनी थी, प्रायद्वीपी भारत की बात कर रहा है, और प्रायद्वीपी भारत की बात कर रहा है तो यहाँ वाले क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे होंगे, समझ में आ गया ना, गात का पंजाब का। जी अगला सवाल है, पूछा गया है कि द नाट्य शास्त्र विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंपाइल्ड बाय। तो नाट्य शास्त्र जो हमें इसके बारे में जानकारी देता है दोस्तों, अलग अलग डांसेस के बारे में और इन म्यूजिक्स के बारे में हमको जानकारी प्रोवाइड करता है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? एवरीवन जरा बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, और आप लोग निम्नलिखित में से किसको टिक करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज अ भरत मुनि। अमीर खुसरो, यार सभी जानते होंगे अमीर खुसरो जो रहे हैं, ये आपके दिल्ली सल्तनत के समय में रहे हैं। तो इन्होंने अपनी सेवाएं जो दी हैं वो बलबन को दी हैं, और ये उसके समय में ही रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय, कि सुल्तान का परचम बुलंद हो, और उसके बाद गाजी मलिक के समय में भी रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने लगभग तीन डायनेस्टीज को सेवाएं दी हुई हैं। तानसेन अकबर के समय में रहे हैं, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समय रहे हैं, ठीक है। तो जो संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी देता है नाट्य शास्त्र, तो वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया दोस्तों, ठीक है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। इसी से आपने पढ़े होंगे कि हम लोग टोटल कितने क्लासिकल डांस पढ़ते हो दोस्तों, आठ आपने क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ा होगा, कि ये जो आठ क्लासिकल डांसेस हैं ये इसी से परिभाषित किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो देखो कई बार पूछा जाएगा कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22 है, क्लासिकल डांसेस कितने हैं 8 हैं, और हमारे क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है तो 6 है। तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, 8 क्लासिकल डांसेस हैं, और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। जे थॉम्सन ने खोज किसकी किसकी की थी? तो आपने पढ़ा होगा ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ये तो यार बचपन में ही पढ़ाया गया होगा ना, आपके मास्टर जी जब स्कूल में आप जाते थे, बैग बैग टांग करके जाते होंगे, कम किताबें रहती होंगी, तो उन्होंने बोला होगा कि ईंट पर नाच, ठीक है, इस प्रकार से बोला था। अब हमारे गुरु जी ने जरूर बोला था ये ईंट पर नाच, सरकारी स्कूल में थे तो उन्होंने यही बताया था। उन्होंने बोला था कि बेटा ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, और टी का मतलब हो गया थॉमसन, पी का मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन, और आर का मतलब हो गया रदरफोर्ड, एंड ना का मतलब है यहाँ पर न्यूट्रॉन, और चा का मतलब है चैडविक, समझ में आ गया। तो ईंट पर नाच जरूर पढ़ के जाएगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज मैंने आपको बताई रदरफोर्ड ने, और जो न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों ये किसने की थी? चैडविक ने की थी। चलिए अगले सवाल में चलेंगे हम लोग। पूछ रहा है एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की पत्नी कोकना सेन शर्मा है, कल की क्वेश्चन है, या फरहान अख्तर है? फरहान अख्तर, जी हाँ, भाग मिल्खा भाग। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? एवरीवन देखते हैं कितने लोग सही आंसर टिक कर पाते हैं। मुझे लगता है यहां पर भी कहीं ना कहीं तुक्के शुरू होंगे, ठीक है। जैसे ही कोई कठिन क्वेश्चन आता है ना, तुरंत हमारे तुक्के लोग, तुक्का मारने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और यही तो आपको एक खासियत बनाती है, आपके अंदर एक खासियत पैदा करती है भाई साहब, कि आप एक इंजीनियर हैं और डर बिल्कुल भी नहीं मानना, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ये किताब है जिसका नाम है एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये लिखी है कल की क्वेश्चन ने, ठीक है, तो काफी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ट्विंकल खन्ना की एक किताब थी जिसका नाम था मिस्टर फन मिस फनी बोन्स, आपने इनकी किताब पढ़ी होगी, ट्विंकल खन्ना की नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, मिस फनी बोन्स, याद रखिएगा, किताब आई थी। और इसमें कोंकण सेन जो शर्मा है इनका डिफिकल्ट डॉटर्स, ठीक है, तो ये जो आपके कोंकणा सेन शर्मा है इन्होंने लिखा था डिफिकल्ट डॉटर्स, और मिस ये जो ट्विंकल खन्ना है अक्षय कुमार की वाइफ, इन्होंने लिखी थी कौन सी? मिस फनी बोन्स, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सभी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है, जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? पहले की बात हो रही है इंटरनेशनल डे की,
अभी जो मनाया गया था दोस्तों 2023 में, 2023 में विच नंबर ये भी बताइएगा जरा, कौन से नंबर का था, है ना, और इसकी विषय वस्तु क्या थी, इसको आइडेंटिफिकेशन कब मिला, यूनेस्को ने कब अप्रूव किया, 2015, 2015, चलिए 2015, 30 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन फोर को लॉक कर देते हैं, काफी सारे लोगों ने तुक्के मार लिए हैं, थोड़ा सा रुक जाएं। अभी जो मनाया गया है 2023 में, ये नाइन्थ था, नोवा इंटरनेशनल, ठीक है, और इसकी विषय वस्तु क्या थी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हाँ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आपने पढ़ा होगा, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो जो सबसे पहले शुरू हुआ वो 21 जून 2015 को हुआ, अभी जो 2023 में मनाया गया था आपने पढ़ा होगा, ये नौवां था, नौवां था, समझ में आ गया। 2022 में जो मनाया गया था वो आठवां था, 2022 की जो थीम थी उसका नाम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इस बार का जो थीम था वो था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और इस बार जब आपने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय योगा, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब थे वो कहाँ पर थे, यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में उन्होंने बहुत सारे विश्व के अलग अलग डेलीगेट और लीडरों के साथ ये मनाया हुआ था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत जो होती है याद रखिएगा 2015 से होती है, और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग रुक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई है। यार जनधन योजना तो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा कि जनधन योजना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आपने नाम दिया है BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसी को आपने नाम दिया है नो फ्रिल्स अकाउंट, यानी कि कोई भी आपको मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है मंथली, तो इसको आप क्या भी नाम देते हो, जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोलते हो, ये जो खाता है आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस में ओपन हो जाता है दोस्तों। साथ में आपने पढ़ा होगा कि इसने एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, या आप कह सकते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोग्राम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इसको नाम दे सकते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोग्राम, ठीक है, समझ में आ गया, अकाउंट ओपनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा अकाउंट ओपनिंग प्रोग्राम है, जो अभी तक लगभग माना गया है कि ये कुछ 40-50 करोड़ अकाउंट ओपन कर चुके हैं ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि इसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, समझ में आ गया, 10,000 रुपए का आपने पढ़ा होगा दोस्तों क्या है, ओवरड्राफ्ट है, पहले 30,000 रुपए का आपको क्या भी मिलता था, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता था, लेकिन अब शायद वो बंद किया जा चुका है। तो इसकी जो सुविधाएं हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना, सुविधाएं याद रहेंगी, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, विश्व का सबसे बड़ा अकाउंट ओपनिंग प्रोग्राम है, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 10,000 का ओवरड्राफ्ट है, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस है, और ये लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, 2014 को दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी यार 15 लाख की बातें मत करिए यार, है ना, अगर आ जाए तो बहुत जरूरी हो जाए, मेरा तो काम बन जाए 15 लाख आ जाए तो मैं सबसे पहले डिजिटल बोर्ड ले लूंगा, नहीं तो लगता है मुझे कि इस बार मुझे जाके गांव में खेती वेती बेचनी पड़ेगी, तभी तभी डिजिटल बोर्ड आएगा। आप में से बहुत सारे लोग परेशान है कि सर डिजिटल बोर्ड ले लो, डिजिटल बोर्ड ले लो, लगता है वैसा ही करना पड़ेगा, है या एक आध किडनी विडनी बेचनी पड़ेगी तब जाके डिजिटल बोर्ड आएगा। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया होगा, विश्व का सबसे लार्जेस्ट अकाउंट ओपनिंग प्रोग्राम ये बन चुका है इस समय, है ना, चलिए वेरी गुड, जरा बताइएगा किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट। इस क्वेश्चन में देखिए जो सही आंसर हम लोग करने जाएंगे दोस्तों, ये अभी आपने पढ़ा है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, अरे भाई विरूपाक्ष मंदिर की बात कर रहे हैं, विरूपाक्ष मंदिर किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए था, आपके पास 15 लाख है, ठीक है फिर गिफ्ट कर दीजिए कोई बात नहीं। और इस क्वेश्चन में देखिए जो करेक्ट आंसर है हम्पी, आपने मालूम होगा कि बिल्ट बाय, ये इसका जो निर्माण है ये किसने किया था, बिल्ट बाय कृष्णदेवराय, तो जो कृष्णदेवराय थे इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और ये किससे बिलोंग करते थे, विजयनगर डायनेस्टी, तो विजयनगर डायनेस्टी आपने पढ़ी है, और वो भी विजयनगर डायनेस्टी की कौन सी, तुलुआ डायनेस्टी, आयुब की सब कुछ इसमें क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल स्मारक को भगवान शंकर को डेडिकेटेड है विरूपाक्ष, याद रखिएगा, किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था,
और 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज द राइट आंसर। ठीक है, विच वन इज करेक्ट? अरे भाई साहब, उन्होंने मुझे पैसे देने की बात की हुई है, मतलब आप लोग सीधे लाइव चैट में ही मतलब बच्चों से पैसे मांगने लगे। हाँ, उन्होंने हमें क्या मतलब डिजिटल बोर्ड पैसे देने की बात कर दी, आप लोग तो सीधे मांगने लग गए। सही है, कोई बात नहीं है ना। चलिए, देखिए बात यहाँ पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बात हो रही है कि 1983 में यूनेस्को में शामिल हो, और अगर यूनेस्को में आप इसको शामिल करना चाहते हो तो आप इसको विश्व की सबसे पहली, भारत की सबसे पहली वैश्विक हिरासत भी कह सकते हो, विरासत भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जरा, आपने रेड फोर्ट आगरा को पढ़ा होगा, ये भी 1983 में शामिल हुआ, और ये जो ताजमहल है यही भी शामिल हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल में देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला सवाल है, वेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस स्थान पर मिलेंगे? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जरा समझिएगा, आपने अभी तक नगर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा पढ़ा होगा विशारा आर्किटेक्चर जो दूसरा एग्जाम में पूछा जाता है, तीसरा आपको पूछा जाएगा दोस्तों कौन सा, द्रविड़ आर्किटेक्चर। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक नगर आपने पढ़ा होगा खास तौर से जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर मिलेंगे जिसमें शिखर वगैरह मिल जाएगा, जैसे अभी जो अयोध्या का मंदिर बनाया गया है ये नगर आर्किटेक्चर में, जो आपको चंदेला डायनेस्टी के मंदिर मिलेंगे ये सब नगर आर्किटेक्चर में, खास तौर से कंदरिया महादेव का मंदिर, ओरछा चले जाएंगे आप तो नगर आर्किटेक्चर मिल जाएगा। विशारा आर्किटेक्चर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, याद रखिएगा दो लोगों के समय में, एक चालुक्याज ने, याद रखिएगा, इनका निर्माण किया विशारा का, और दूसरा राष्ट्रकूटा। तो जो राष्ट्रकूटाज हैं और चालुक्याज हैं, इन्होंने इसका निर्माण किया। अब राष्ट्रकूटाज का शासन कहाँ पे रहा? क्या मध्य प्रदेश में रहा है, क्या तमिलनाडु में रहा है, क्या उड़ीसा में रहा है? नहीं, तो आंसर कौन चला जाएगा? कर्नाटका। तो देखो दोस्तों, आपको क्या है ना, कई बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस हमारे भेजे में ना बहुत सारी चीजें चाहिए, तब आप एलिमिनेशन लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि जो मध्य भारत है हमारा, वहां पर है ये, तो मध्य प्रदेश आपने पढ़ा जो खजुराहो है, वो तो भाई वहां पर तो नगर आर्किटेक्चर है, मध्य प्रदेश वैसे ही बाहर कर दो आप, है ना। चलिए, और तमिलनाडु में तो आपको द्रविड़ आर्किटेक्चर मिल जाएगा, आपने पढ़ाया बृहदेश्वरा, वो द्रविड़ आर्किटेक्चर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विच इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इतना बड़ा थ्योरी लिख करके सिर्फ डराने की बात की जाए, समझ में आ गया ना? तो एक्चुअली में सवाल बहुत सीधा सा है, सिंपल सा है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसको यूनेस्को ने इनटेंजिबल कैटेगरी में डाल दिया? तो देखिए यार, वैसे तो यूनेस्को की 42 हेरिटेज साइट है भारत में, 4 यूनेस्को सिटी है, 4 रेलवे लाइंस है, 12 बायोस्फीयर पर रिजर्व है, 50 आपके क्राफ्ट है, और अब अलग अलग फेस्टिवल भी इनटेंजिबल में डाल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का। ठीक है, आपने कई डांस भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि इसके कई डांस भी डाले जा चुके हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि कई डांस भी डाले जा चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, जैसे वैदिक चांटिंग के बारे में पढ़ते हो, अभी आपने कलबेलिया राजस्थान का पढ़ा था, उसको भी डाल दिया है, गरबा को भी अभी रिसेंट में गुजरात को इंटेंजिबल कैटेगरी में डाल दिया है, और ये जो दुर्गा पूजा है याद रखिएगा ये भी इंटेंजिबल में जोड़ा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली को, इसका नाम हिंदू को देवताओं से जोड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन एक बेहतरीन है, जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, विच वन इज द राइट आंसर? तो मोहिनीअट्टम कहाँ से जुड़ा हुआ है? केरला से। मोहिनीअट्टम, कृष्णअट्टम, कथकली, ये सब आपके केरला से जुड़े हुए। यस, विच वन इज राइट का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग ट्राई करेंगे जरा, विच वन इज करेक्ट, देखते हैं जरा कितने लोग इसका आंसर सही आते हैं। एवरीवन, बहुत बढ़िया। ओहो, तो अभी आपने पढ़ा होगा दुर्गा पूजा, कुंभ मेला है ना, इसको भी शामिल किया गया है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कलबेलिया को जोड़ा गया है, राजस्थान का जो पंजा सॉरी गुजरात का आपका गरबा है उसको भी जोड़ा गया है ना।
कई बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं अभी हाल ही में, है ना, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। और अभी शांति निकेतन होयसल को, दो को डाई यूनेस्को हेरिटेज साइट में जोड़ दिया गया, इससे पहले धौलावीरा और रुद्रेश्वरा या रमप्पा टेम्पल जोड़े गए थे, ठीक है। ये जो नई साइट साइट जोड़ी जा रही है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखो बात हो रही है मोहिनीअट्टम, मोहिनी, तो याद होगा दोस्तों कि जब समुद्र मंथन हुआ था, याद है क्या आप लोगों ने, अगर बचपन में ये सब वो देखा हो रामायण महाभारत को, समुद्र मंथन, अगर ये सवाल आप अपने घर वालों को भी दिखाएंगे ना, तो वो भी सॉल्व कर देंगे। आपने देखा होगा कि जब ये समुद्र मंथन हुआ तो उससे जहर निकला था, पॉइजन निकला था, है ना, और वो जहर फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को पान कराना शुरू किया, जिसमें से एक असुर ने अपना भेष बदल लिया था, ठीक है, आपको मालूम होगा, तो वो जाकर के अमर हो जाता है ना, राहु आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। मोहिनीअट्टम जो है ये मोहिनी से जुड़ा हुआ है, मोहिनी जो है ये भगवान विष्णु का ही एक रूप, दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, के वेंकटप्पा है, ई बी हैवेल है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, या सिद्ध कुमार हल्दर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवीण कुमार ने, क्या बात है, कितनी सारी जानकारी दे दी है। हाँ बिल्कुल प्रवीण कुमार, आपकी बात के साथ सहमत है, और उत्तर प्रदेश में युवाओं के बिल्कुल कह सकते हो कि दोस्तों जी हाँ, एक भाग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाखों बच्चे इस समय आर ओ ए आर ओ के लिए पहले से लगे हुए हैं, और ऑलरेडी आपको मालूम है लेखपाल का भी रिजल्ट आया है, तो उसमें भी धांधली बताई जा रही है 2018-19 का, और पुलिस का भी सवाल, ये ऊपर से अलग से लीक वाला इशू, तो है बहुत सारे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज अ ई बी हावेल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ई बी हावेल इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं, जरा बताएगा किस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आप लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे। भौतिकी की बात हो रही है 1930 में, और ये दिया गया था शायद मेरे हिसाब से 27 या 28 फरवरी को, जैसा ही है ना, जिसको आप क्या मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं, जहां तक मुझे याद है। क्या आंसर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, साइंस डे इसी को मनाते हैं ना हम लोग, रमन इफेक्ट, बिल्कुल, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में खोज की हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सेकेंड राइट। आप रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को जो मिला था, आपने पढ़ा होगा कि ये 1913 में मिला था, और ये इनको मिला था दोस्तों लिटरेचर में, ठीक है। अमर सेन को ऑलरेडी आप कर चुके हो कि अमर सेन को 1998 में मिला था, और ये मिला था इकोनॉमी में, और रमन साहब की आप बात अभी कर चुके हो दोस्तों कि 1900 मिला था, और ये इनको मिला था दोस्तों फिजिक्स यानी कि साइंस में। सब कुछ क्लियर है, ठीक है, अगले सवाल में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, बहुत बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया है, हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है, पहली बात तो ये अच्छा। फिर इसमें दोस्तों आपको मालूम होगा कि एक क्या दिया जाता है, अमाउंट कितना दिया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये याद रखिएगा, टोटल हाउ मैनी इंडियन, टोटल हाउ मैनी इंडियन, हाउ मैनी इंडियन एंड नॉन इंडियन वन दिस, तो ये 100% एक क्वेश्चन फिक्स है अगर आपने इसको कर लिया, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन तो इससे आने ही वाला है भारत रत्न। और अभी तक आपको मालूम होगा कि ये रिसेंट अभी जो 5 पर्संस को दिए गए हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो इनके आंसर मैं चाहता हूं कि सभी लोग जरूर करें। तीन को नहीं मिले, 5 लोगों को मिल गए हैं भाई, तीन नहीं है, 5 लोग हैं जिनको ये मिल चुके हैं भारत रत्न। यूनिक स्टडी बोल रहे हैं कि कोई पैसा नहीं दिया जाता, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इस पर मैंने आपके लिए एक शॉर्ट्स बना के भी डाला गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात हुई है कि नो अमाउंट है ना। फिर आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ एक सिंबल ही दिया जाता है, एक प्रतीक दिया जाता है, वो भी आपने पढ़ा होगा कि जो पीपल ट्री होता है उसकी लीफ के कुछ सिंबल, पत्ती का एक चिन्ह मिलता है, एक सॉल दे दिया जाता है, ताली बजा दी जाती है। टोटल अभी तक कितने लोगों को मिला है तो देखना पड़ेगा, तो पहले थे 48 और अब आप इसमें 5 जोड़ देंगे,
आप इसमें अब लिखने जाएंगे दोस्तों कि 5 लोगों को और जोड़ दिया जाए तो अब कितने हो चुके हैं, 53। समझ में आ गया है? ओके, वेरी गुड। इसमें दो नॉन इंडियन हैं, आपने पढ़ा होगा, अब्दुल गफ्फार खां। तो आप गफ्फार खां के बारे में जरूर पढ़ के चले जाइएगा, और नेल्सन मंडेला, ये शामिल है। ठीक है, 5 लोगों को अभी आपको दिया गया है, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा है, कर्पूरी ठाकुर इंपॉर्टेंट है, लाल कृष्ण आडवाणी है ना, आपने पढ़ा होगा, चौधरी चरण सिंह आपने पढ़ा होगा, साथ में पीवी नरसिम्हा राव, और एक और हैं आपके एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, पांचों नाम क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल दत्ता, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, अगली बार दिया जाएगा, डोंट वरी। एक भारत रत्न तो हमारे दत्ता साहब को भी बनता है। बिल्कुल, तो दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट। 1954 में शुरू हुआ था, और 1954 में भी 3 लोगों को दिया गया था, एक थे सिराज गोपालाचारी, एक थे आपके 1954 में ये पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक और थे 1954 में ये पुरस्कार जीतने वाले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सीवी रमन है ना, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सिराज गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द इमोर्टल ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, विच वन इज राइट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच वन इज राइट, ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट। ठीक है, अमीश त्रिपाठी, दैट इज अ वेरी पॉपुलर ऑथर, आप सभी जानते होंगे। अगला सवाल है, पीएम किसान योजना कब शुरू की गई थी। पीएम किसान यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पीएम किसान के बारे में नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ के जाइएगा। आपने पढ़ा होगा कि फुली तरीके से ये कैसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम। आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, पीएम किसान में, पीएम किसान सम्मान निधि, जो फार्मर होते हैं इनको 6,000 रुपये पर ईयर मिलता है, आपने ये पढ़ा होगा, पर ईयर मिलता है, और वो भी इन 3 इंस्टॉलमेंट, तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, दो दो हजार, दो दो हजार करके इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज अ 2019, भाई 15 में कहाँ चले जा रहे, इतने पीछे कब जा रहे हो, अभी 19 में कोविड से पहले ही तो आया था ये, याद है कोविड से पहले जो बजट आया था निर्मला सीतारमन जी का, तो लेकर के आई थी पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम श्रम योगी मानधन योजना और किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो किसान को, जो छोटे किसान होंगे उनको 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, दो दो हजार के 3 इंस्टॉलमेंट होंगे, पूरी तरीके से केंद्र सरकार का फंडेड प्रोग्राम था, कुछ 70,000 करोड़ या 70 या 75 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्या गया है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एनसीएसए द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या है, ओपेरा, सफारी, मोशेक या फिर क्रोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक बेरोजगारी है नौकरी नहीं लग जाती है तब तक याद करना पड़ेगा, एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं सर कितना कितना याद करना पड़ेगा, क्या क्या याद करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, है ना मेरे दोस्त, ना कुछ भी कहो पढ़ना तो पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएम किसान 2019 में शुरू हुई थी फरवरी में, ये है ना बजट में ही लॉन्च किया गया था इसको, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दैट इज अ मोसैक। ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट। ठीक है, चलिए सवाल है, गोपुरम मंदिर वास्तुकला निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। गोपुरम यार, गोपुरम आपने पढ़ा होगा, एक मंडपम होता है, फिर एक गोपुरम होता है, एक डीटी का गर्भगृह होता है, क्या ये सवाल कॉमन नहीं पढ़े हैं सभी लोगों ने। ठीक बिल्कुल रचित, याद करना पड़ेगा, नौकरी लेनी है तो करना पड़ेगा, है ना, फिर यार समाज में सम्मान भी तो मिलेगा, फेसबुक पे आपके इंटरव्यू तो आएगा, आपको आपके राहुल सर, वैभव सर,
ना, मोहित सर या शुभम सर बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, सम्मान दिया जाएगा, है ना, सोसाइटी में सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा, अलग अलग जगह से फोन आने लगेंगे, ना सम्मान बढ़ जाएगा। तो अब जो सोचिए, अभी की तकलीफ है मत सोचिए यार, भविष्य के खूबसूरत जीवन के बारे में सोचिए, है ना। कॉन्ट्रैक्टर आपके पास, इंजीनियर साहब कह करके आएगा, है ना, तो मिठाइयों के भी डब्बे और बैग लेकर के आएगा सूटकेस के साथ, तो वो सब चीजें सोचिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट। आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग बात करते हैं गर्भगृह के बारे में, हम लोग बात करते हैं मंडपम के बारे में, फिर हम लोग बात करते हैं गोपुरम के बारे में, तो ये सब आपके द्रविड़ आर्किटेक्चर में हमको देखने को मिल जाता है। शिखर वगैरह जो आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है हमको नगर आर्किटेक्चर में, और इन दोनों का जो कंबाइन है द्रविड़ और नगर का, ये क्या कहलाता है, विशारा, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा जैव मंडल में घोषित किया गया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जिस सही आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा है कि हम लोग बायोस्फेयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, अब बायोस्फेयर रिजर्व आप सभी जानते हैं दोस्तों, इंडिया में अगर आप बात करने जाओगे दोस्तों, तो इंडिया में टोटल 18 है ना। और पहला आपने पढ़ा था दोस्तों कि पहला कौन सा था, तो नीलगिरी, ये आप पढ़ चुके ऑलरेडी, के जो 19 में 1986 में आया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कब आया, 1986 में आया, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है 19। और यूनेस्को में टोटल कितने हैं, तो याद रखिएगा, ये यूनेस्को में जो टोटल है वो टोटल कितने हैं, 12 हैं। अब बात हो रही है पन्ना की, पैंच की, सतपुड़ा की, या फिर आपका कान्हा की, तो याद रखिएगा इसमें जो पन्ना है आपका, है ना, जहां पर आपके डायमंड्स भी पाए जाते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व आपके किस में काउंटेड है, यूनेस्को बायोस्फेयर में काउंटेड है, ठीक है। तो टोटल बायोस्फेयर रिजर्व याद रखिएगा 18, सबसे पहला नीलगिरी तमिलनाडु वाला 1986 एस्टेब्लिशमेंट, यूनेस्को में लिस्टेड है टोटल 12। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था, विच वन इज राइट। अभी आपको मालूम है कि ये जो रिसेंट हुआ था, ये 2023 में, ये दोस्तों जो 2023 वाला हुआ था, ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश, और इसकी थीम थी दिल धड़कने दो, याद होगा। और मध्य प्रदेश में मैं उसी समय था, 7 या 8 डेज के लिए, और भाई साहब इतना तेज डीजे बजता था कि आसपास की खिड़कियां धड़क जाती थी, ठीक है, क्योंकि प्रमोट किया जा रहा था इसको बहुत बड़े तौर पर, दिल धड़कने दो, और ये मध्य प्रदेश के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स काफी प्रसिद्ध हुआ, यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे आपके यूपी में, और यूथ गेम्स हुए थे आपके कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज याद रखिएगा न्यू दिल्ली, सबसे पहला संस्करण, अभी जो आपने पढ़ा था कि याद रखिएगा वो कौन सा था, पांचवा था। अभी हाल ही में जो रिसेंट में अगर आप पढ़ने जाओगे, तो ये जो रिसेंट में हुआ था वो याद रखिएगा पांचवा हुआ था, जो आपके मध्य प्रदेश ने होस्ट किया था, और जो सबसे पहला याद रखिएगा दोस्तों हुआ था, ये कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। आई होप, मुझे लगता है कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है ना, क्लियर है ना गाइज दोस्तों। तो सबसे पहला आपके कहां से स्टार्ट हुआ था, 2018 से, और ये जनवरी में हुआ था, ठीक है, ये जनवरी में हुआ था, ठीक है। और अभी रिसेंट में ये जो हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था आपके, ये पांचवा था, ठीक है, जनवरी और फरवरी के आसपास हुआ था, तो इसी टाइम पीरियड में हुआ था, है ना, इसी टाइम पीरियड में ये हुआ था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो महाराष्ट्र और हरियाणा और मध्य प्रदेश रहते हैं, ये टोटल मेडल सेली में, ये जो लास्ट 2023 का था, इसमें महाराष्ट्र ने टॉप पोजिशन प्राप्त की थी, और उसके बाद आपका हरियाणा और मध्य प्रदेश रहा। अगले सवाल में चल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर याद रखिएगा कि जो नेशनल गेम्स है वो गोवा में हुए थे, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे वो आपके यूपी में हुए थे, और खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स थे वो आपके मध्य प्रदेश। पूछा जा रहा है दोस्तों कि जोगी मारा की गुफाएं निम्नलिखित में से कहां पर हैं, जोगी मारा, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई जोगी रहते थे, ठीक है, सिर्फ केव्स की बात हो रही है, तो लगभग बहुत हद तक केव्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों एक आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी पाई जाती है कहां पर, रामगढ़ हिल में, रामगढ़ हिल एक राज्य जिसकी स्थापना 1 नवंबर को ही हुई है ना, 2000 में, और ये मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ है, मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ है, तो काफी प्रसिद्ध है। और जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज द राइट आंसर, आप इसको बोलते हैं जोगीमारा केव्स, रामगढ़ हिल में पाई जाती है, ठीक है, तो काफी प्रसिद्ध केव है ये, और इनको किसी धर्म सभ्य वगैरह से मत जोड़िए, याद रखिए दीज आर द नॉन रिलीजियस केव्स, है ना, नॉन रिलीजियस केव्स,
यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, मगधी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लगभग 8 आपको इसमें अलग अलग प्रकार के मुरल्स या पेंटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। और आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द छत्तीसगढ़, हम लोग छत्तीसगढ़ की ही बात करें, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि गुरु पूर्णिमा अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट इन इंडिया फॉल इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो हिंदू कैलेंडर को लेकर के सवाल बनने हैं। मुस्कान जी पूछ रही हैं आज क्लास कितने बजे तक चलेगा। आज क्लास बजे चलेगा 3 बजे तक, है ना, 2 घंटे का मैराथन सेशन, जल्दी खत्म करेंगे, डोंट वरी। पूछा गया है कार्तिका है, वैशाख है, श्रावण है या आषाढ़ है। तो जब भी देखिए दोस्तों बात हो जाएगी किसके बारे में, हिंदू कैलेंडर की, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो वैसे ही अब सरेंडर कर देंगे अपने आप, बोलेंगे भाई हमसे ना हो पाएगा। तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि भाई हिंदू कैलेंडर को जरूर पढ़ के चले जाइएगा। आषाढ़ सावन भादव क्वार कार्तिक, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदू कैलेंडर। तो हिंदू कैलेंडर में देखिए ये जो अभी चल रहा है या आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, ये चल रहा है फागुन। तो ये जो फरवरी वाला होता है ये क्या कहलाता है, फागुन। तो अभी से काउंट कर लेते हैं, फरवरी हो गया फागुन। फिर आता है आपका कौन सा, मार्च अप्रैल, जहां पर कटाई होती है गेहूं के खेतों में, लोग आपको दिखना शुरू हो जाएंगे गाँव में, तो होता है चैत्र। उसके बाद अप्रैल मई वाला पार्ट आ जाता है वैशाख, ठीक है। फिर जब भयानक गर्मी होती है नॉर्दर्न इंडिया में, जेठ आ जाता है, ठीक है। फिर जब बारिश होना शुरुआत हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आषाढ़। उसके बाद जुलाई अगस्त में आपको सावन मिलेगा, ठीक है। फिर अगस्त सितंबर में आपको भद्र मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आपको अश्विन मिल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में जब आपकी होली का, सॉरी दिवाली का टाइम आता है, तो अश्विन मिल जाता है, ठीक है, सॉरी कार्तिक मिल जाता है आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर हाँ अघन पूष माघ फागुन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर बहुत क्लियर है दोस्तों, बात हो रही है, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि बोर गीत अ म्यूजिकल कंपोजिशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। बोर गीत एक गाने का नाम है, गीत का नाम है, ऐसा नहीं कि ये गीत बोर करता है, ठीक है, ये प्लीज इसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। बोर गीत की हम लोग बात करें कि म्यूजिकल कंपोजिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गीत कंपोज करता है, ठीक है। इसमें ड्रम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, मंजीरा फ्लूट वायलिन हारमोनिया अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है इसमें, से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको झांझ ड्रम मिल जाएगा, है ना, मंजीरा मिल जाएगा, बांसुरी मिल जाएगी, वायलिन हारमोनिया ये सब कुछ बजता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जुड़ा हुआ है आपके किससे, इट इज एसोसिएटेड विद द आसाम, आसाम से जुड़ा हुआ है। और आसाम का आई होप कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कौन सा है, सतरिया। और कथक है आपका यूपी से जुड़ा हुआ, और भरतनाट्यम आपने पढ़ाया दोस्तों कहाँ से जुड़ा हुआ, तमिलनाडु से, मणिपुरी मणिपुर से जुड़ा हुआ है ही दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, पुणे में नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता के द्वारा की गई थी। रोहिणी भाटे हैं, रोशन कुमारी हैं, और कुमुदनी लखिया है, सितारा देवी है, विच वन इज राइट। और तो बात हो रही है कि पुणे में नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा की गई थी। और इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज अ ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे, रोहिणी भाटे, और ये याद रखिएगा, ये इसको हो जाएगा, दैट इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हु वॉज क्रेडिटेड विथ डिस्कवरिंग द हाइड्रोजन आइसोटोप और हैवी हाइड्रोजन फॉर विच ही लेटर रिसीव्ड इन 1934 नोबल प्राइज इन द केमिस्ट्री। तो आपको देखिए एक हिंट मिलेगी, 1934 में इनको नोबल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। यहां से आई होप कि आप थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं, विच वन इज राइट। अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, है ना, और इन्होंने फिर बाद में इन्हीं इन्हीं की इनकी एक टेस्टिंग के दौरान ही डेथ हो जाती है एक एक्सप्लोजन में, और इन्होंने 5 कैटेगरी में पुरस्कारों की स्थापना की 1895 में। सबसे पहला पुरस्कार 1901 में मिलता है, पहला पुरस्कार 1901 में मिलता है ये। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लगभग काफी सारे लोगों ने यहाँ पर जो सही आंसर दिया है, यस दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट, और ये है आपके कौन से, हेरोल्ड सी यूरे, ठीक है। अभी तक भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, तो आपने नाम पढ़ा 9 लोगों को,
सबसे पहला रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर में, फिर हम पढ़ते हैं हरगोविंद खुराना मेडिसिन है ना, फिजियोलॉजी, मदर टेरेसा को भी मिला है जो आपकी शांति के क्षेत्र में मिला है, फिर आपने पढ़ा होगा दोस्तों एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, फिर आप पढ़ते हैं अमर सेन को मिला है आपके इकोनॉमी के क्षेत्र में, सीवी रमन को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, वेंकट रमन को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिर आपने पढ़ा होगा कैलाश सत्यार्थी 2014-15 के आसपास ये शांति के क्षेत्र में मिला था, फिर उसके बाद अभिजीत बनर्जी वो इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया नेल्सन मंडेला अवार्ड इज गिवन फॉर, ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये आपने पढ़ा होगा नेल्सन नेल्सन मंडेला ये सेकेंड नॉन इंडियन थे, सेकेंड नॉन इंडियन कौन, भारत रत्न, तो विश्व का भारत का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार इनको मिला था, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आप दोस्तों इनको साउथ अफ्रीका का गांधी बोल सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का, विच वन इज राइट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है, विच वन इज द राइट आंसर, हाँ देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यार बहुत सिंपल है, दैट इज आर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, मानवीय सेवाओं के लिए, मानवीय सेवाओं के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है, दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है यार, एक बार जितने भी लोगों ने एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने लोगों ने अभी तक फिर से लाइक और शेयर नहीं किया है, अटेंडेंस मार्क नहीं किया है, अगर आपको सच में इस प्रकार के सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज एवरीवन हिट द लाइक बटन, इसको जरूर लाइक बटन को एक बार हिट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है 2014 के आसपास स्थापित किया गया था और ये नेल्सन मंडेला के नाम पर स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और हम लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे, विच वन इज राइट, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पूछा जा रहा है प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा है, ये उपन्यास बताइए जरा, एवरीवन देखते हैं कितने लोग इसमें से सही कर पाते हैं दोस्तों। देखिए आपने पढ़ा होगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करने जाऊं, इसमें जो आप नाम देख पा रहे हैं, पहले तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, पर उसके बाद हम लोग चलते हैं कि आप इसमें सही आंसर, तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी बहुत ही प्रसिद्ध, याद रखेगा रचना है जो बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा लिखी गई। अच्छा, बंकिम चंद चटर्जी आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने एक किताब लिखी और दूसरी भी है जिसका नाम है आनंद मठ, जिससे हमारा जन वो भी लिया गया है, वंदे मातरम, वंदे मातरम भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद चटर्जी, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा ये भी ऑलरेडी कई बार इंपॉर्टेंट है, 1870 और 75 के आसपास इसको लिखा गया था, ठीक है, फिर बाद में बंगाली में भी इसको ट्रांसलेट किया गया, अपने आप में काफी प्रसिद्ध। इसके अलावा आनंद मठ आपने पढ़ा, दुर्गेश नंदिनी पढ़ा है, ठीक है, दूसरा आप इनके बारे में पढ़ते हैं सीताराम, फिर इनकी देवी चौधरानी, और दूसरी इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रणालिनी, कुछ इस प्रकार की, राज सिंह, कुछ इस प्रकार की रचना है, लेकिन जो अदर ऑप्शन है जिसमें आप ईश्वरचंद विद्यासागर देख रहे हैं, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए बहुत प्रयास किया, इनकी आप पढ़ेंगे किताब वर्ण परिचय, बहुत प्रसिद्ध किताब है, ठीक है, दूसरी आप पढ़ते हैं दोस्तों विडोबा विवाह, ठीक है, विधवा विवाह, ठीक है, विडो मैरिज, रिमैरिज को पढ़ते हैं, विधवा विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर की, और वर्ण परिचय भी इन्हीं की किताब है, ठीक है, शकुंतला इनकी किताब पढ़ेंगे, दूसरी आप इनकी कर्ण पर्व किताब पढ़ेंगे, काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, और एक बांग्ला बंगला व्याकरण भी पढ़ेंगे, ठीक है, जीवन विद्या भी इनकी किताब मिल जाएगी, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की गीतांजलि, काबुली वाला, ठीक है, आपने पढ़ा होगा शायद घरे बहरे, ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा जोगा जोग, ठीक है, और मुक्ता धारा, ठीक है, सेसेर कोविता, ठीक है, तो ये इनकी किताबें हैं, किनकी, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की, और शरदचंद जो चट्टोपाध्याय इनकी किताब है, देवदास जो बहुत प्रसिद्ध किताब है, ठीक है, और ब्रज बाहू भी है, परिणीता भी है, दत्ता भी है, ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलेंगे, तो ये जितनी किताबें हैं मैं पीपीटी में जोड़ दूंगा, बोल रहे हो सर आप इतनी सारी किताबें बोल दे रहे हो, हमें याद कैसी रहेंगी, विल ऐड इन द पीपीटी, ठीक है, विल ऐड इन द पीपीटी, नेशनल मिल्क डे, क्या बात है भाई, राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाते हैं ये, एक मिल्क मैन है हमारे देश के, जिन्होंने भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन लेकर के आए, या फ्लड रिवोल्यूशन लेकर के आए, क्रांति लेकर के आ गए, और इनको हमने क्या बोल दिया, मिल्क मैन,
गुजरात में एक क्रांति आ गई, है ना, अमूल डेयरी आपने पढ़ी होगी, सबसे अधिक उत्पादन करने लगी भारत में मिल्क। लेकिन अभी अगर आप देखने जाओगे कि मिल्क प्रोडक्शन में जो सबसे टॉप पर है तो आपका राजस्थान और यूपी, ये सबसे टॉप पोजीशन पर है इस समय। एम एस स्वामीनाथन, तो ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्रा है या फिर एम बी निर्मल है, तो नहीं गाइस, ठीक है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है, देयर इज अ वर्गीज कुरियन इज द करेक्ट आंसर, देयर इज अ ऑप्शन सेकंड इज द ऑप्शन सेकंड राइट। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट कैन बी गिवन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा की बात हो रही है दोस्तों, मुद्रा, पहले तो मुद्रा का फुल फॉर्म, एक किताब भी पढ़ी है आपने, मुद्रा राक्षस, याद है क्या किताब ये, मुद्रा राक्षस, मुद्रा को ही राक्षस बोल दिया गया, मुद्रा राक्षस, सच में ही राक्षस होती है, इंसान का जीवन खत्म हो जाता है कमाते कमाते। दोस्तों मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने, जो मौर्य साम्राज्य के ऊपर लिखी है, चाणक्य के द्वारा इस्तेमाल जो टैक्टिक्स है और चंद्रगुप्त मौर्य के विरोधियों के अगेंस्ट में वो बताई है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बताई है। आपने पढ़ा होगा कि इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, दैट इज अ माइक्रो यूनिट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं और इसमें थोड़ा सा टाइम लेता हूं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इसमें रुष्ट हो जाते हैं, आपको लगता होगा कि नहीं सर, सर ने हमारा कीमती समय ले लिया, है ना। अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिएगा, बिल्कुल खुले मन से बता दीजिएगा। लॉन्च हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कब, ये आपका 2015 में, आप मुद्रा लोन ले सकते हैं, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूं कि ले लूं और आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले आऊं पढ़ाने के लिए। फिर देखिए दोस्तों, मुद्रा लोन से जुड़ा हुआ इसमें एक अमाउंट है, इसमें थ्री टाइप्स लोन है, थ्री टाइप्स माइक्रो लोन है, माइक्रो छोटे छोटे लोन मिलेंगे। तो आपको जाना होगा बैंक में मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा किसी व्यवसाय या बिजनेस के लिए, तो एक लिमिट है 50,000 तक। तो सीए से एक रिपोर्ट फाइल तैयार करनी पड़ेगी, जाकर के पहले आपको जो मैनेजर होगा उससे बात करनी पड़ेगी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको दान दक्षिणा भी देनी पड़े, तभी वो मुद्रा लोन आपका करेगा। मुद्रा दिए बिना मुद्रा नहीं मिलती आज के समय में सरकारी ऑफिस में। फिर दूसरी जो लिमिट है याद रखिएगा 5 लाख तक की है ना, और जो तीसरी लिमिट है याद रखिएगा वो 10 लाख तक की है। तो तीन लिमिट है इसमें, इसको बोला जाता है शिशु, जो 50,000 तक की यानी कि छोटा बच्चा, फिर है आपका किशोर, उससे भी बड़ा बच्चा, और फिर उसके बाद आ जाता है तरुण, यानी कि बिल्कुल एकदम बड़ा बच्चा, ठीक है। तो शिशु, किशोर, तरुण, ये जरूर पढ़ के चले, ठीक है, लगभग 50,000, 5 लाख, 10 लाख, क्या बात है भास्कर साहब, आप जैसे बच्चे हैं ना तो फिर बात ही अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, लगभग सभी ने सही टिक कर दिया, दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या बात है, अजीत ने तो भविष्यवाणी ही बात कर दी है ना। पूछा गया है दोस्तों, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, विच वन इज राइट, सभी लोग आंसर बताएंगे। हाँ बिल्कुल, मुद्रा दिए बिना मुद्रा नहीं मिलता छोटू, यस, थैंक यू सो मच, यूनिक स्टडी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देयर इज अ 1991 इज द राइट आंसर, ठीक है, देयर इज अ ऑप्शन सेकंड इज राइट, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट 1991। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश के पेपर पुलिस के लीक के अगेंस्ट में जो बच्चे हैं, जो भावी पुलिस बनने वाले हैं यूपी में ही, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको धरना प्रदर्शन से मना करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के में पुलिस बन चुके लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध क्या कर रहे हैं मतलब उनके लिए उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब ये सब मत करो। तो कितना उनको मतलब सोचिए, अपना मन जो है ना दिल कड़ा करना पड़ता होगा ये रोकने के लिए, करने के लिए, कई बार मैं सोचता हूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज द ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है। मैं कई बार देखता हूं कि जब रेलवे का पेपर होता है, बच्चे ट्रेवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जनरल का टिकट लेकर के स्लीपर में भी चले जाते हैं, मजबूरी होती है, तो वो जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो आगे जाकर के खुद टीटी बनेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो कभी बेरोजगार था वो टीटी बन चुका है, उन बच्चों से पैसे लेता है, घुसखोरी भी करता है। तो समय समय की बात होती है, ठीक है, समय समय की बात होती है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज द सेकंड इज राइट। ठीक है, आपने पढ़ा दोस्तों विट्ठल मंदिर के जो प्रमुख देवता विट्ठल हैं वो किस भगवान से हैं, विष्णु भगवान से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है, तो अभी आपने एक जंतर मंतर पढ़ा था, दिल्ली का जंतर मंतर विश्व धरोहर नहीं है, जयपुर वाला है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, गेटवे ऑफ इंडिया जहां से आप एलिफेंटा केव के लिए जाते हो, पास में आपको ताज होटल भी मिल जाएगा, ओबेरॉय होटल भी मिल जाएगा, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। सही आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट गाइस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट। हाँ, कैंसिल तो होगा ही होगा भाई। हाँ, अभी आर ओ ए आर ओ का पता नहीं है कि आर ओ ए आर ओ का पेपर कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि वो भी सुबह ही सभी बच्चों के व्हाट्सएप पे आ चुका था और ये भी बच्चों के व्हाट्सएप पे आ चुका था। दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट, दैट इज अ गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है वॉकर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है, इसमें से आप लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, हॉकी होगा, चेस हो जाएगा, अब गोल्फ हो जाएगा या फिर फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन जरा बताइएगा कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, जितने भी लोग कनेक्टेड हो चुके हैं ना, एवरीवन, हॉकी है, चेस है, फुटबॉल है या गोल्फ है, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ गोल्फ इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन फोर इज राइट। अगले सवाल है दोस्तों, पूछा गया कि विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज द पेट्रा ड्यूरा। पेट्रा ड्यूरा एक, देखो यार ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर से अगर आप देखेंगे तो एक जहांगीर की पत्नी थी जिनका नाम था, जहांगीर की पत्नी का नाम किसी को याद है, नाम क्या था उनका, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा है ना। तो ये जो जहांगीर की वाइफ थी, मेहरुनिसा, जहांगीर वाइफ थी मेहरुनिसा, आपने पढ़ा होगा मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा के जो अब्बा थे, अब्बा मतलब इनके पिताजी, जिनका नाम था एतमाद उद्दौला, एतमाद उद्दौला, आपको एक आगरा में एतमाद उद्दौला का मॉस्क मिल जाएगा। तो ये जो आगरा में एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है, एतमाद उद्दौला जो मेहरुनिसा के पिताजी हैं यानी कि जहांगीर के ससुर साहब, तो इस मकबरे में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस याद रखिएगा, इस मकबरे में इस टेक्निक, कौन सी टेक्निक, पेट्रा ड्यूरा। तो जो पेट्रा ड्यूरा होती है, इसमें होता क्या है कि आप संगमरमर में, जो संगमरमर होता है उसके साथ आप मोतियों को प्रॉपर तरीके से उसमें फिट करके सजावट करते हैं, चमक देने के लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये सुंदरता के लिए की जाती है। कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इन टू द मार्बल और सैंड स्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट पैटर्न। तो आप संगमरमर को काटते हैं और उसमें प्रॉपर तरीके से मोतियों को, याद रखिएगा है ना, मोतियों को सजाते हैं, चमकदार पत्थरों को सजाया जाता है जिससे निर्माण की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो अगर कभी आपको इस टेक्निक को देखना है, आगरा घूमने जाइए, तो एतमाद उद्दौला का मकबरा देखिए, जहां पर आपको ये टेक्निक मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, गुड़ी पाड़वा किस देश का त्योहार है, किस राज्य का त्योहार है, तो जहां पर दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की अभी रिसेंटली जयंती मनाई गई 19 फरवरी को, जहां पर गणेश फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध मनाया जाता है, जो राज्य इकोनॉमी में भी सबसे आगे है। ठीक है, जहां पर अभी वर्तमान में जो नए डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार साहब बने हुए हैं, जहां पर आपने लावनी फेस्टिवल के बारे में पढ़ा हुआ है दोस्तों, जहां पर ताडोबा टाइगर रिजर्व, जैकवड़ी डैम, आपने पानसेट डैम पढ़ा होगा, खड़कवासला डैम पढ़ा होगा, कोयना डैम के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जहां पर दोस्तों आपने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल या फिर वीटी स्टेशन के बारे में पढ़ा होगा जो यूनेस्को का भी पार्ट है, जहां पर अभी आपने गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, अजंता एलोरा एलिफेंटा के बारे में पढ़ा दोस्तों, जहां पर आप तारापुर किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करते हैं, जी हम उसी राज्य की बात कर रहे हैं, दैट इज अ महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल हो चुका है, पूछा गया है कि द फोक डांस होजागिरी ओरिजिनेटेड इन एंड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया, जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, ये पुलिस में आया था, वेरी गुड विपिन। ठीक है, देखो बेटा, अगर मेरे सेशंस को गहराई से देखोगे ना और रेगुलर देखोगे, तो आपको ये मिलेगा कि एक सवाल में मैं कभी एक सवाल नहीं कवर कराता हूँ, उसके साथ जाने कितने सवाल करा देता हूँ, और अगर मैं 1.5 घंटे या 2 घंटे के सेशन में आपको 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उसके साथ अगर आप ओवरऑल पूरा देखोगे एक्सप्लेनेशन का पार्ट, तो
मल्टीपल रिवीजन मिलेगा, मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। द फोक डांस भुजागिरी ओरिजिनेटेड एंड इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ इंडिया, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट। और ये उन बच्चों को बेनिफिट पता होगा जो मेरे साथ बहुत लंबे समय से एसोसिएट, जो मेरे एक्सप्लेनेशन पार्ट को नोट डाउन करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में रखते हैं, डेफिनेटली जीके का पार्ट बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा दोस्तों कि अगर मैं इसकी बात करने जाऊं तो दोस्तों याद रखिएगा ये भारत के कहां से हुआ है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग हौजागिरी की, ठीक है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में भी अगर मैं बात करने जाऊं स्पेसिफिक, मान लो कभी पूछ लिया गया आपसे तो कोई बताएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में भी किस जगह से है, एवरीवन, बाकी कमेंट सेक्शन में, वरना मैं छोड़ देता हूं। हाँ, किसी ने यहाँ पे मणिपुर लिख दिया, देख लेते हैं, मणिपुर लिखा है, वेरी गुड। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये मणिपुर में नहीं है, ये आपके उस राज्य में है जहां पर खास तौर से आप देखिएगा कि एक अगरतला जिसकी कैपिटल है, यानी कि जो आपके बांग्लादेश से तीन साइड से सराउंडेड है, जहां पर आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पाया जाता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, इट इज एसोसिएटेड विद त्रिपुरा, ठीक है, यस, बिल्कुल। अगला सवाल है, मैथिली और हिंदी कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, मैथिली और हिंदी के कवि नागार्जुन, नागार्जुन की यह रचनाएं तो आपने पढ़ी होंगी ना, तो पंजाब से आप भांगड़ा पढ़ते हैं, है ना, और गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र में लावणी, राजस्थान में घूमर, राजस्थान तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरला में कथकली, है ना, बिहू आसाम में पढ़ा है, उत्तर प्रदेश में कथक पढ़ा है, उड़ीसा में उड़ीसी, वेस्ट बंगाल में बाउल पढ़ा होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नाती पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर में राउत पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए अगर कभी भी पूछा जाए, त्रिपुरी डांसेस में एक आपने ये पढ़ा होगा, लेबांग बोमानी, है ना, और जूम करके भी है, गारिया करके भी है, मसक कुमानी करके भी है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, और देख लेते हैं जो करेक्ट आंसर है, दर्ज है, यस, ऑप्शन इज राइट, ठीक है। और ये कौन है, वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था, भौतिकी में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको, ये क्वेश्चन हुआ है क्या एवरीवन, शायद नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट, विलहेम कॉनराड, ठीक है, ब्रॉन्सगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड सालाना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, एवरी ईयर, एवरी ईयर जो ऑस्कर अवार्ड है उसके बारे में डिस्कशन होता है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, और ये दिया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस। अभी रिसेंट में ऑस्कर अवार्ड इंडियन अभी ग्रैमी मिला है, सोरो ऑस्कर, ऑस्कर जो मिला था वो शायद मिला था ट्रिपल आर मूवी को, नाटू नाटू को, है ना, और एक मूवी थी जिसका नाम क्या था, द एलिफेंट विस्पर, उसको दिया गया था। अभी हाल ही में ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए एक भारत की मलयालम मूवी गई थी जिसका नाम था आवरी बनी जा हीरो, जो केरला फ्लड पर बेस्ड थी, और शायद ये जो 12th फेल करके मूवी है इसको भी रिकमेंड किया गया, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और अभी जो ग्रैमी मिला है वो मिला है, ठीक है, भारत के कुछ लोगों को, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन वन, पूछा गया पुस्तक कीपिंग द फेथ मेमोरीज ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्रियन के लेखक कौन है, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, सोमनाथ चटर्जी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी, ग्रेट पर्सनैलिटी, एक महान कह सकते हैं, जी हाँ, एक महान व्यक्ति हुए, और इनका कार्यकाल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। सुचरा बताएगा कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो जिन्होंने लिखी है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे, और ये स्पीकर भी रहे लोकसभा के 2004 और 9 के दशक के बीच में, है ना, और इनको पार्लियामेंट्री पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रह चुका है। वाजपेयी जी की किताबें हैं जिनका नाम है कविराज की कुंडलियां, डेथ और मर्डर, ठीक है, अमर बलिदान, ये बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप कि दैट इज वेरी गुड, दैट इज ऑप्शन इज राइट, सोमनाथ चटर्जी का सवाल है। विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 16 मार्च। तो ये नेक्स्ट मंथ ही आने वाला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और ये आपका 15 मार्च, ठीक है, दैट इज ऑप्शन राइट। पूछ रहा है कि माइक्रो प्लान फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर एवरी डिप्राइव्ड हाउस होल्ड इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्रोग्राम इन इंडिया, हर वंचित परिवार के लिए सतत आजीविका के लिए सूक्ष्म योजना भारत में किस कार्यक्रम का प्रमुख, अंत्योदय प्रोग्राम होगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो जाएगा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो जाएगा, या फिर इसमें हम लोग बात करने जाएंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम।
तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, दैट इज अंत्योदय प्रोग्राम इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन वन इज करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन वन इज राइट। अगला सवाल है, निसार सैटेलाइट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द इसरो एंड नासा एंड इज पॉसिबल टू लॉन्च इन सितंबर 2023। निसार, तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि नासा और इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जिसका कंबाइंड नाम जो रखा गया है, ये नाम क्या रखा गया, निशार नाम रखा गया है। और इसमें से हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे ऑप्शन सेकंड, तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है। तंजौर हैज चोला आर्किटेक्चर एंड वॉज बिल्ड बाई द एम्परर राज राजा। तो तंजौर आपने पढ़ी है कि ये कैपिटल रह चुकी है किसकी, ये रह चुकी है आपकी चोला डायनेस्टी की, लेकिन ये ऑलरेडी हिंट दे रहा है आपको कि इसका निर्माण किसने किया था, राज राजा ने किया था, राज राजा प्रथम ने। कौन सा मंदिर है ये, आप सभी को मालूम है कि जो तंजौर का मंदिर है, तंजौर में जो कैपिटल रह चुकी चोला डायनेस्टी में, राज राजा प्रथम के द्वारा बृहदेश्वरा मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस सांस्कृतिक स्थल को अंकित किया गया है, सांची स्तूपा एट लद्दाख, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची, और अमरावती स्तूपा एंड आंध्र प्रदेश। 1989 की बात कर रहे हैं, टोटल आपको मालूम है 42 हो चुके हैं भारत के। सबसे पहला जो था वो आगरा का रेड फोर्ट था, अकबर के द्वारा बनवाया हुआ 1983 में, और अभी रिसेंट में जो ऐड किया गया है 42nd, वो है आपका होयसल मंदिर महाराष्ट्र सॉरी कर्नाटका का। तो दोस्तों ये जो था लास्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा आज के हमारे सेशन का, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप होमवर्क के तौर पर जरूर लें, और इसका जो सही आंसर होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दें। थैंक यू सो मच सभी को दोस्तों। तो ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा, एक बार इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी बिल्कुल दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सच में मेरे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए डेली बेसिस पर। अभी मैं हिस्ट्री का सेशन कवर कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मेरे साथ हिस्ट्री में जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री के आपके लगातार सेशन इस समय गोइंग ऑन है, और उनके लिए एनरोल करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये जो सेशन देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो जितने लोगों ने देखिए लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है, सो एवरीवन ये हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम की लिंक है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही में यहाँ से आपको मिल जाएगा हमारे जो भी आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SSC JEE, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, RRB JEE है ना, और ALP टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेस इस समय चल रहे हैं। और अभी दोस्तों याद रखिएगा, एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 1 मार्च को। तो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है ना स्कॉलरशिप टेस्ट, मैं सभी को बोलूंगा कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें। शायद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी अगर लिंक नहीं मिली है तो आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, इसके लिए जरूर जरूर इनरोल कर लीजिएगा। और ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, आप इनके लिए भी इनरोल कर सकते हैं, तो 1-2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, कुछ अलग अलग प्लान है, और साथ में कुछ बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है, EMI प्लान भी अवेलेबल है, आप ये कूपन कोड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और जो कूपन कोड अप्लाई करना होगा दैट इज वेरी सिंपल, आप लगा सकते हैं दैट इज SHIVKT, ठीक है, दैट इज अ कूपन कोड, और अप्लाई इट तो यू विल गेट द हाईएस्ट डिस्काउंट। तो चलिए प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कंक्लूड करते हैं हम लोग आज के सेशन को, मुलाकात करेंगे कल। कल है हमारा इकोनॉमी का सेशन, कल हम लोग इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं, और इकोनॉमी का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन है, उसको जरूर अटेंड करिएगा। इकोनॉमी के जितने भी कॉन्सेप्ट है या जो इकोनॉमी का डर है वो कल आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी के डर को है भगाना तो कल टेक्स्टबुक हवेली पर 1 बजे जरूर आना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमी के डर को है भगाना तो कल टेक्स्टबुक हवेली पर 1 बजे जरूर आना। थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।